हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मैंने अभी ये एक पार्सल जस्ट रिसीव हुआ है मुझे, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ही मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ये है स्लिंग बैग लैवी का। तो मैंने एक मिंत्रा से ऑर्डर किया था क्योंकि मैं कलर में थोड़ी कंफ्यूज थी, तो मैंने मिंत्रा वाला भी मंगा लिया और ये भी मंगा लिया। मैंने फ्लिपकार्ट पे 100 रुपये कम मिल रहे थे, तो मैंने कहा वहाँ पे कम मिल रहे तो वहाँ से मैं ऑर्डर कर दूँ। तो जनरली आई कंपेयर प्राइस एंड देन आई ऑर्डर द थिंग्स, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कलर। एक्चुअली मुझे ब्लैक चाहिए था, लेकिन वो क्या ही बताऊँ, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो मैंने इसमें दो ऑप्शन चूज़ किए, एक लाइट पिंक कलर और एक ये वाला, दैट इज़ काइंड ऑफ गोल्ड। यानी अगर हम कहीं शादी में या कुछ ऐसे छोटे मोटे पार्टी वगैरह में जा रहे हैं यूज़ हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर दूँ, और सेकंड वाली जो मुझे रिसीव हुई है मिंत्रा की, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दोस्तों, ये वाली जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम मिंत्रा, और ये मुझे कुछ 1250 के आसपास की आई थी। और मैंने इसे एक्चुअली पहले ही ओपन कर लिया था और मुझसे रह गया था रिकॉर्डिंग करना, बट एनीवेज तो दोनों चीज़ें मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ। चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा ओपन करके दिखा दें। एक्चुअली दोस्तों, मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और दूसरे हाथ से आप लोगों को ये चीज़ जो है मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी सी एक क्यूट सी बैग आई है, लाइट पिंक कलर की, थोड़ी सी शाइनी है ये बैग, और मुझे देखने में दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। चलिए मैं थोड़ा सा अंदर से आपको इसको दिखा देती हूँ ओपन करके, स्पेस वगैरह कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ में आप सामने देख रहे हैं कि एक चेन आया हुआ है, जो काफ़ी ट्रेंड में इस तरीके का चेन दोस्तों आजकल यू नो आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो पैटर्न आप चेन का जो है वो देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छी सी लंबी वाली चेन है। अंदर के साइड में दोस्तों यहाँ पे स्पेस आप देख सकते हैं कितना है। तो एक चेन पॉकेट है अंदर, और ये जो इस तरीके के दो छोटे से कंपार्टमेंट टाइप पॉकेट्स हैं। ये वाली बैग आप देख रहे हैं, कलर कितना ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो दोस्तों बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला मुझे लगा कि मुझे आपको पहले दिखाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर रखी थी, तो मैंने जस्ट आपको अभी दिखाया कि इसके अंदर मतलब स्पेस वगैरह कितना है। आप अपनी लिपस्टिक, मोबाइल और छोटी मोटे लेकिन चीज़ें जो है इसमें कैरी कर सकते हैं। बट देखने में आप कलर देख रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड दोस्तों, अगर मैं इसको पीछे से दिखाऊँ तो ये देखिए पीछे ऐसे है, मतलब पीछे के साइड में कोई चेन या एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं है, जो भी आपने देखा वीडियो में अंदर की तरफ बस वही है। और देखते हैं दूसरा वाला कैसा है। ऐसे फिर आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा और मैं कौन सा रखती हूँ, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। पहले मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ और उसके बाद, है ना। सो दोस्तों, मुझे जब भी कोई भी पार्सल रिसीव होता है भाई, मेरी एक्साइटमेंट जो है ना वो डबल हो जाती है। पता नहीं, मैं जितनी बार अनबॉक्सिंग करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अनबॉक्सिंग करना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लैवी का जो बैग है, वो भी चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये गोल्डन कलर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्डन कलर में ये मैंने मंगाया है, और ये भी मतलब सिमिलर बैग है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ओनली कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा यू नो ऑर्डर करूँ, तो मैंने कहा चलो दोनों जगह से ऑर्डर कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये वाला बैग जो है वो 100 रुपये कम मिल रहा था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने यहाँ पे से ऑर्डर किया। सेम है, आप चेन आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो है थोड़ा सा पैक होके आया है, और ये भी काफ़ी लंबी वाली स्ट्रिंग या आप बोल सकते हैं लंबी वाली चेन है। और अंदर के कंपार्टमेंट्स दोस्तों सेम ही हैं, कुछ चेंज कुछ अलग नहीं है। दोस्तों, इसमें जो ब्लैक वाली बैग थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, और मैंने मतलब जब मैंने ये एक्चुअली देखा तो मुझे लगा चलो मैं ब्लैक वाला ऑर्डर करती हूँ, और मैं थोड़ा सा रुक गई, मैंने कहा चलो जब टाइम यू नो थोड़ा मिलेगा तो मैं कर लूँगी। लेकिन यार देखते देखते मतलब 2-3 दिन के बाद जब मैंने देखा तो ब्लैक वाला फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल नहीं था और यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों बैग का कंपैरिजन आप देख सकते हैं, सिमिलर बैग है, कलर आप मुझे बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं आपको क्या मैं रखने वाली हूँ ये आपको वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी दोस्तों। सो गाइस, ये दोनों पर्स मैंने आप देख ही रहे हो, मुझे दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं, कलर मुझे दोनों के बहुत अच्छे लगे, और अब मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा रखूँ। तो मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, मुझे ऐसे लग रहा है कि डिसाइड किया कि ये वाला जो है बहुत प्यारा कलर है, मतलब मैं दोनों रख सकती हूँ, लेकिन दोनों एक जैसे रख के क्या ही होगा। तो फिर ये वाला जो है मैं रिटर्न कर रही हूँ, और गोल्ड वाला जो है, जो ये वाला बैग है, ये मैं रखूँगी। ये क्यों रखूँगी, ताकि यू नो अगर कुछ ऐसे फंक्शन है या फिर कहीं आना जाना हुआ, तो मोस्टली जो ड्रेसेस होते हैं या साड़ीज़ होती है तो उसमें गोल्डन थोड़ा सा काम तो रहता ही है। सो दिस विल वर्क इन दैट वे, तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस विथ मी,
विच इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट। और दोस्तों इसकी जो प्राइस थी वो कुछ 1150 की थी, और जो मैंने आपको दूसरा वाला दिखाया वो 1250 का था। एमआरपी जो थी दैट वॉज 3499, 3500, जो बहुत ज्यादा ही है। मतलब ऐसे स्लिंग बैग जो है आपको 1000-1200 तक के ठीक है, उससे ज्यादा मतलब 1500 तक भी ठीक है, बट उससे ज्यादा नहीं। हाँ 500-600 के भी मिलते हैं, बट जो कंपार्टमेंट्स होते हैं जो मैंने देखा है नॉर्मली, वो इतना अच्छा नहीं होता जैसे कि आपने इसमें देखा। मतलब आपको अंदर इनसाइड चेन मिल जाती है, फिर दो आपको अलग से कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें, जो है छोटी मोटी चीज़ें बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। क्वालिटी इज़ टू गुड, मुझे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी, वो एक बेस्ट पार्ट है। मतलब आप देख ही रहे हैं। थोड़ा आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा तो लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलती हूँ दोस्तों मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, आई लव यू, बाय।